हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी न्यूज़ आज हम इस वीडियो में 5 अगस्त के एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम यहां सॉल्व करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है ऑप्शन हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश तो उड़ीसा राज्य सरकार ने बुज़ुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा सही है बैंकों में बुज़ुर्गों और दिव्यांगों को होने वाली परेशानी से बचने के लिए उड़ीसा सरकार ने ये फैसला लिया है उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा ऑप्शंस है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश या गुजरात तो अभी उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड सही है ये शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया जाएगा अभी इंटरनेशनल स्नो ल्योपर डे तेईस अक्टूबर 2019 को मनाया गया था जिस पर एक सबमिट हुई थी जो न्यू दिल्ली में हुई थी उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैन है और शीतकालीन राजधानी देहरादून है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है। हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख बन गए हैं ऑप्शंस हैं एस बी आई एच डी एफ सी एक्सिस बैंक या पी एन बी तो शशिधर जगदीशन एच डी एफ सी के प्रमुख बन गए हैं तो इसमें उत्तर ऑप्शन भी एच डी एफ सी सही है एच डी एफ सी की बात करें तो एच डी एफ सी की स्थापना अगस्त उन्नीस सौ चौरानवे में हुई थी एच डी एफ सी का मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में एच डी एफ सी के सी ओ आदित्य पुरी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पुस्तक का विमोचन किया है पुस्तक का नाम क्या है ऑप्शन हैं सियासत में सदस्यता सियासत की क्षमता देश और सियासत सियासत और आदर्श तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए सियासत में सदस्यता सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक बने हैं ऑप्शंस हैं जयदीप भटनागर विकास पांडे करुण दिवाकर या विवेक मेहरोत्रा तो भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए जयदीप भटनागर सही है ये ईरा जोशी की जगह लेंगे आकाशवाड़ी की बात करें तो आकाशवाड़ी की स्थापना 1930 में हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है ऑप्शन हैं ब्रिटेन फ्रांस नेपाल या इसराइल तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी जारी करने के लिए घोषणा की है तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन सही है ये सिक्का महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा पे योगदान और उन्हें सम्मानित करने के लिए जारी किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं ऑप्शंस हैं एंड्रेस डूडा मोहम्मद इरफान अली डेविड ए ग्रेंगर या चंद्रिका प्रसाद संतोखी तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के अगले राष्ट्रपति बने हैं तो इसमें उत्तर ऑप्शन भी सही है ये डेविड ग्रेंगर की जगह लेंगे गुयाना की बात करें तो गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है इसका ऑफिशियल नेम कॉपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और यहाँ पे गोयाना डॉलर यूज़ होती है इस प्रश्न के और दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो एंड्रेस डूडा अभी हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं और चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरी नाम के राष्ट्रपति बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरुकू मनाया गया है ऑप्शंस हैं तमिलनाडु केरल कर्नाटक या आंध्र प्रदेश तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध मानसून उत्सव है जिसका नाम है अनादि पेरुकू तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु सही है तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है यहाँ के मुख्यमंत्री के पलाानी स्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आई 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में किया जाएगा ऑप्शंस हैं शाहजहाँ दुबई धाबी या ये सभी तो आई 2020 का आयोजन इन सभी शहरों में किया जाएगा तो इसमें उत्तर ऑप्शन डी सही है आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग इसमें आठ टीमें भाग लेती हैं आई की स्थापना 2008 में हुई थी इसके संस्थापक थे ललित मोदी और आई पी के विजेता है मुंबई इंडियंस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है ऑप्शनस हैं गोरखपुर कानपुर सेंट्रल नासिक या चेन्नई तो अभी महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी नासिक सही है तो ये थे आज के इम्पॉटेंट क्वेश्चन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट